बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन कैसे होता है। ये रिसेंटली अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं और जिस तरह FIA के एग्ज़ाम्स चल हुए थे उसमें तकरीबन इस तरह के एक ही पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो हम आप थोड़े से टाइम में विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हम ये चीज़ें सीख लेंगे कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, अगर सपोज कर एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 100 1002 इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, अभी अभी इसको हमने किस में करना है, डेसिमल में करना है। अब डेसिमल में कैसे करेंगे हम, इसका एक तरीक़ेकार है। सबसे पहले जो भी बाइनरी है इसको हमने यहाँ पर लिख लेना है, ये लिख लिया, ये सॉरी 3 नंबर दें और उसके बाद इसके हम ऊपर से लिखेंगे 1, ये 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, इस तरह अगर ज़्यादा नंबर होगा हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो भी हमारा 8 जो ना अभी देखें ना, जहाँ पर एक एक के ऊपर जो भी डिजिट आया, यहाँ पर क्या है 8 आया, तो 8 यानी इसका जो है वो जो डेसिमल होगा इसका जो ना डेसिमल क्या होगा 8, हमारा ये आंसर है। वेरी सिंपल। इस तरह का अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन अगर आप ले लें, इस पर सपोज 111001 और ये 2, अगर इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, इसका सिंपल वे कन्वर्ट करने का वही सेम, ये आपने सबसे पहले ये डिजिट लिख लिया 100, ये 111 लिख लिया आपने, उसके बाद इसका 1, 2, ये 4, देन 8, देन 16, देन 32, अब इसको आपने लिख लेना है। अब आपको पता है हमने पहले भी लिखा है कि हमने क्या करना है, जो ए के ऊपर जो भी डिजिट है उसको हमने लिखना है। ये 32 लिख लिया, फिर ये एक के ऊपर डिजिट है, फिर इसको 16 को लिख लिया, फिर ये एक के ऊपर डिजिट ये प्लस हमने 8 को लिख लिया, ये 20 को इसको ख़त्म कर लेंगे, ये एक के ऊपर 1 प्लस 1 लिख लिया। अब इसको हम करेंगे ये 16, ये 8 और 1, ये कितने हुए 6 और 8 हुए, 8 और 16 17, एक ऊपर, ये 3 एक 4 एक 5 यानी 57, यानी इसका जो कन्वर्सन में होगा वो 57 होगा। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने डेसिमल टू बाइनरी करना है। यहां पर अगर सपोज कर एक क्वेश्चन है आपका 16, ये 10, 10 हमेशा डेसिमल को शो करता है और उसके अलावा जो बाइनरी का होता है वो कभी भी ये 2 को शो करता है और ये डेसिमल। अब डेसिमल ये इसको हमने बाइनरी में करना है इस तरह के, यानी अभी जो मैं आपको कह रहा था कभी FPSC के क्वेश्चंस पेपर में आए थे, यानी 3 इस तरह के थे, 2 इस तरह के, यानी 3 से 5 क्वेश्चन एक पेपर में अगर पेपर डी को किसी कैंडिडेट ने दिया होगा तो उसमें ये आया था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको हेल्प और अपकमिंग एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्प हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये 16 और 10 इसको कैसे करेंगे, जिस तरह हमने पहले बताया, अभी यहाँ पर हमारा डेसिमल 16, तो हम नंबर लिखेंगे, नंबर कैसे लिखेंगे हमें पता है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, उसके बाद 16 आएगा। तो हम इसके ऊपर अब नीचे नंबर क्या लिखेंगे, हमें पता है हमें हमारा आंसर 1 है, तो हम यहाँ पर 16 के ऊपर 1 लिख लेंगे। ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, अगर 16 आंसर है तो डेफिनेटली 16 के ऊपर 1 आएगा, बाकी सब के ऊपर 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसका जो बाइनरी होगा वो 1 1 2 3 4 चार जीरो और उसके अलावा ये आंसर हमारा आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपको समझाने के लिए अगर मैं कोई दूसरा दे दूं, सपोज करें यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 43, ये डेसिमल है, इसको हमने बाइनरी में कैसे करना है। अभी सेम से ये आपने नंबर याद रखना है, ये नंबर आपने जैसे अभी नंबर लिखा 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 8 लिख लिया और 16 लिख लिया, 32 लिख लिया, इसको हमने चेक करना है, इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। सपोज करें अगर हम इसको प्लस माइनस करके भी हम इसको कर सकते हैं, सपोज करें अगर 32 के ऊपर हमने 1 लिख लिया ये हो गए 32 और उसके अलावा 16 के ऊपर अगर आप 0 देते हैं, 8 के ऊपर 1 देते हैं ये 1 हो गया और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम ये 32 हो गए, हम यहाँ पर 32 ले आए नीचे और 0 के ऊपर वो नहीं लिखेंगे हम, अभी यहाँ पर 1 दे दिया हमने, 8 लिख लिया और 8 के ऊपर ये 0, ये 1, ये 1,
अब ये कितने हो गए, एक एक के ऊपर जो ये 32, एक के ऊपर 32 है, 32 हमने ले लिया, जीरो नहीं लेंगे। वन के ऊपर 8 है, हमने 8 ले लिया। फोर के ऊपर 0 ये नहीं लिया हमने, ये 2 के ऊपर 1 है तो ये हमने ये 2 ले लिया और ये 1 ले लिया। अगर अब इसको हम ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा, 2 और 10, 10 और 2 12 और ये 13, एक के ऊपर 43, तो हमारा आंसर 43 आया। तो हमारा जो बाइनरी यहाँ पर होगा 1010112। होपफुली कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये सिर्फ मैंने 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए दिए, ये अगर आप समझ लेंगे तो आप बाकी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।